नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल पर जीपे का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। जीपे जिससे क्या इस्तेमाल यूपीआई के लिए किया जाता है। देखिए, जीपे पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आपका एटीएम कार्ड रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। आइए हम वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से हमको रजिस्टर करना है। आपको सबसे पहले जीपे को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जीपे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जो कि बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। वो मोबाइल नंबर डालने के बाद सिस्टम वेरीफाई करेगा। यहाँ पर आपको सिस्टम टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। थोड़ा टाइम वेट करना है तब तक सिस्टम आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई ना कर ले। जैसे ही सिस्टम और वेरीफाई कर लेगा, वेरीफाइड का साइन आ जाएगा। अब इसके बाद आपके सामने जीपे की स्क्रीन खुल गई। चूंकि अभी तक आपने अकाउंट नंबर ऐड नहीं किया है, तो आपको वहां पर ऐड बैंक अकाउंट नंबर पे क्लिक करना होगा। बैंक अकाउंट नंबर पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने सारे बैंकों के नाम आ जाएंगे। उसमें से जैसे मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम चूज कर लूंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू की बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरा जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो SBI के अकाउंट के साथ वेरीफाई करेगा। यानी कि ऑटोमेटिकली एक SMS जाएगा जिससे कि मेरा नंबर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी परमिशंस दे देनी है। ये देखिए, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक SMS भेज रहा है और यहाँ पर ये SMS वेरीफाई हो गया है। अब इसके बाद आपको आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। हो सकता है आपके अकाउंट से बहुत सारे हैं, आपके एक मोबाइल नंबर से काफी अकाउंट लिंक है। जिस भी अकाउंट का आपके पास ATM है, जिसको लिंक करना चाहते हैं, वह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप स्टार्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, तो एक सिस्टम में एक ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस चलेगा जिसके अंदर सबसे पहले आपको ATM कार्ड की डिटेल्स डालनी है, ताकि सिस्टम आपसे आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई कर ले। फिर आप यहाँ पर क्रिएट पिन की बटन पे क्लिक करेंगे, तो UPI से एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा और आपको 6 डिजिट का कोई भी एक यूनिक पिन से यहाँ पर अपने आप को सेलेक्ट कर लेना है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये पहले तो आपको OTP डालना है जो ऊपर आया हुआ है, फिर 6 डिजिट का पिन आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। सिस्टम आपका बैंक अकाउंट नंबर एडअप करेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं वो प्रोसेस में चल रहा है, और जैसे ही आपका अकाउंट नंबर एडअप हो जाएगा, आपके सामने मैसेज आ जाएगा डेट यू हैव सक्सेसफुली एडअप UPI पिन टू योर बैंक अकाउंट। और इसके बाद जीपे की आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी जो कि पहली स्क्रीन होती है। यानी कि अब आप जीपे पर किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।